खुशी आइए आज की कुछ ताज़ा खबरों पर नजर डालते हैं। खजराना गणेश मंदिर में रचा गया नया इतिहास, भक्त सदन व प्रवचन हाल के लिए 8 करोड़ का मिला दान। मंदिर प्रबंध समिति और दानदाता के बीच हुआ एमओयू। इंदौर, करोड़ों नागरिकों की श्रद्धा के केंद्र इंदौर के खजराना प्रसिद्ध गणेश मंदिर में आज एक नया इतिहास रचा गया। भगवान गणेश जी के भक्तों के द्वारा मंदिर परिसर में भक्त निवास और प्रवचन हाल के लिए 1.8 करोड़ रुपए का दान दिया गया। इसके लिए मंदिर प्रबंध समिति और दानदाता के बीच में एमओयू हस्ताक्षरित हुए। इस अवसर पर अपने संबोधन में दानदाता बालकिशन छाबछरिया ने कहा कि अग्रवाल समाज के समाजसेवी विनोद अग्रवाल, कुलभूषण मित्तल कुक्की की प्रेरणा से उन्होंने यह दान किया है। यह गणेश जी की कृपा है जो उनके द्वारा इस कार्य को करने की इच्छा पैदा की गई। हम आर्किटेक्ट अचल चौधरी के माध्यम से 20 माह की अवधि में भव्य भक्त निवास भवन और प्रवचन हाल बनाएंगे। कलेक्टर मनीष सिंह ने इस दान के लिए दानदाता और साथ में प्रेरक के रूप में काम करने वाले विनोद अग्रवाल, कुलभूषण मित्तल, अरविंद बागड़ी, डॉक्टर रमेश मंगल, प्रेमचंद गोयल, अनिल भंडारी को धन्यवाद दिया। कलेक्टर ने कहा कि जब तक हमारे शहर में खजराना गणेश मंदिर के लिए दान देने वाले ऐसे लोग मौजूद हैं, तब तक इस मंदिर की ख्याति बढ़ती रहेगी और यहां सुविधाओं का विस्तार होता रहेगा। निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने इस दान में प्रेरणा का काम करने वाले अग्रबंधुओं को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि इस नए बनने वाले भवन के संचालन के कार्य के लिए अलग से एक समिति बनाई जाएगी। यह समिति दानदाता के ट्रस्ट के सदस्यों और जनता के लोगों को लेकर बनाई जाएगी। इस मौके पर विधायक श्री महेंद्र हौडिया, पूर्व सभापति श्री अजय नरूका, पंडित श्री अशोक भट्ट, श्री जयदेव भट्ट, मंदिर के प्रबंधक श्री प्रकाश दुबे भी उपस्थित थे। इसके पश्चात दानदाता बालकृष्ण छाबछरिया, विनोद अग्रवाल, कुलभूषण मित्तल कुक्की, प्रेमचंद गोयल ने कलेक्टर मनीष सिंह और निगमायुक्त प्रतिभा पाल, मंदिर के मुख्य पुजारी अशोक भट्ट के साथ मिलकर महाशिवरात्रि के पर्व पर मंदिर में आने वाले भक्तों को 60 क्विंटल साबूदाने की खिचड़ी के वितरण के कार्य का शुभारंभ किया। कैसे प्रेरणा मिली और कैसे ये सब कुछ हो पाया? कलेक्टर साहब से हमको और विनोद जी और प्रेम भैया और कुक्के साहब ने हमको प्रेरणा दी, इसलिए हम अपने माता पिता के नाम से ये स्मृति में वो बता रहे हैं। और ये हमारी सालों से इसकी इच्छा थी, वो कलेक्टर साहब ने हमारी पूर्ण की। तो कितने वर्षों से जुड़े हुए हैं खजराना से और क्या आपके अनुभव रहे हैं? हम करीब 50 साल से जुड़े हुए क्या। और सर, आज का जो महाशिवरात्रि के दिन और आज काफ़ी बड़ा पर्व के साथ साथ आज यहाँ पर डोनेट की गई 8 करोड़ की राशि, और उन्होंने काफ़ी बड़े हर्षोल्लास के साथ बताया कि आपका बड़ा प्रेरणादायक उनका रहा, तो उसको लेकर क्या कहेंगे बताएं? नहीं, आज का दिन तो बहुत शुभ है। महाशिवरात्रि के दिवस पर खजराना गणेश, जो भारत का एक बड़ा तीर्थ है, एक बहुत बड़ा काम काज होने जा रहा है यहाँ पर। भक्त निवास और सत्संग हॉल दोनों की इसकी काफ़ी समय से ज़रूरत थी। ये जैसे ही पूर्ण होगा तो इस मंदिर और स्थान पे और 4 चांद लगेंगे। मैं तो आज बनू भैया और उनके परिवार को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि उन्होंने कुछ और श्रेष्ठ काम आज से शुरू किया। आपका शुभ नाम बताएं। विनोद अग्रवाल, मैं समिति का। भैया चलो आगे, चलो आगे जाते हो, आगे जाते हो। ॐ त्र्यम्बकं जयामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं मा उर्वारुकमिव रन्धनान् गत्योर्मुक्षीयमामृता। त्र्यम्बकं जयामहे सुगन्धिं पतिरेदनं मा उर्वारुकमिव बन्धनादितो मुक्षीयमा। Yeah,
हस्ते बभूवते दयात्मान विश्वरस्य परिभुजः सामूहिक परिवारों का मिल के जोड़े से सामूहिक रूप से शिव जी का अभिषेक किया जा रहा है महादेव का, तो निश्चित रूप से उल्लास का अवसर है। और सब ये भास्कर नाथ जी महाराज की प्रेरणा से ही है सब कार्यक्रम। और आज खजाना में भी जमीन दान की गई, इसमें भी आपका बड़ा सहयोग रहा। जमीन भी दान की है, वहाँ पे जो भक्त निवास और सत्संग हॉल बनाए जा रहे हैं उसमें बालकिशन छापछरिया जी ने सिद्धि भाई पारमार्थिक ट्रस्ट से लगभग 8 करोड़ रुपए की से ये निर्मित होगा, उसके दान की घोषणा।